Guys, I am on Netflix. So guys, I just wanted to sit down and share a journey, an experience, my past, a part of my past with you guys. I was pretty emotional today, so I thought why not sit down and talk to you guys and tell you something about my past. So most of you would know that before getting into YouTube, I was an actor. I've done quite a lot of projects, 4 to 5 films. इंडिया मैच हार जाती है किए हैं तो हमें बताएं और अपने बच्चे को मम्मी जी एक्सक्यूज मी अरे बहू जी मम्मी जी इन्हें बताओ तो तुम किससे स्वेटर धोती हो सेफ वॉश से वॉश आफ्टर वॉश आफ्टर वॉश नए जैसा वॉश सेफ वॉश बेबी अपना घर भी थोड़ा स्टाइलिश बनाए लेकिन यार कब तक बोलने से पहले रेनोवेशन के लिए लोन मिलेगा A lot of music videos. बहुत सारा काम मैंने एज एन एक्टर किया है बट आई डोंट नो आप लोगों को पता है नहीं पता है बट नाउ एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ आई हैव कम्प्लीटली लेफ्ट acting job and I'm now a full-time YouTuber and I'm really very happy with what I do in my life. मैंने life में बहुत सारी चीजें की हैं मैंने बहुत सारे professions बदले हैं I have been into 9 to 5 वाला job I've been a teacher I've dealt in visas so I was with immigration I've worked as a makeup artist also by the way जिन लोगों को नहीं पता है then मैंने छोटा सा business भी start किया था उसके बाद finally I got onto YouTube and किसी और प्रोफेशन में मुझे लाइफ में ऐसा नहीं लगा था कि यू नो दिस इज इट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब तो मैंने ये चीज पहली बार रियलाइज की कि वो फीलिंग क्या होती है व्हेन यू फील दैट ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ नॉट दैट इज सम फीलिंग विच यूट्यूब गेव मी एंड आई एम सो हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग विद माई लाइफ व्हाट आई एम डूइंग विद माई करियर आई नो दैट यूट्यूब इज द थिंग जो मैं अपनी बाकी की बची हुई लाइफ में करने वाली हूँ So what happened that 31st December ko a lot of people started messaging me on Instagram that you are on Netflix. I'm like what? तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था तो मेरे को उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भेजे कि कमिंग सून में तुम्हारी एक फिल्म है जो दिखाया जा रहा है एंड आई क्विकली वेंट ऑन टू यू नो नेटफ्लिक्स एंड चेक लाइक अच्छा ये तो ये एक फुल्लू नाम की फिल्म थी जो मैंने जब फाइनली एक्टिंग छोड़ी है उससे पहले जो लास्ट मैंने हिंदी फिल्म जो मैंने की थी एक बहुत ही जाने माने काफ़ी उन्होंने नाम कमाया है अपना एक्टिंग में उन्होंने उनका नाम है शारे भाशमी उन्होंने एक बहुत फेमस जिसको बहुत सराहना मिली थी क्रिटिक्स की और जनता की एक ऐसी फिल्म की थी जिसका नाम था फिल्मिस्तान और उनके साथ मैंने ये फिल्म की थी फुल्लू जो कि एक्चुअली इट वाज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट लाइक मेंस्ट्रुएशन जो लड़कियों को पीरियड्स आते हैं उससे रिलेटेड जिस पे बाद में एक फिल्म पैडमैन भी आई थी बट ऑफ कोर्स पैडमैन हैड अक्षय कुमार इन इट तो ऑब्वियसली हम लोगों से तो उसकी तुलना ही नहीं कर सकते हैं उस फिल्म की तो मैंने ये फिल्म की थी बट चाहे वो बॉक्स ऑफिस पे उतना कमाल नहीं दिखा पाई थी ऑब्वियसली बहुत से लोगों को पता भी नहीं चला था कब फिल्म आके कब चली भी गई बट मैंने एज अ पर्सन एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया था उस फिल्म के साथ द काइंड ऑफ वर्क आई डिड आई एम वेरी प्राउड ऑफ तो फुल्लू इज समथिंग जो आज भी कोई मेरे से पूछता है कि आपने क्या क्या काम किया तो फुल्लू इज समथिंग जो मैं सबसे पहले बोलती हूँ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ यू नो द सब्जेक्ट द काइंड ऑफ पीपल आई वर्कड विद सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट थिंग बेसिकली सो 31st दिसंबर को जब ये हुआ तो मैंने चेक किया तो इट वॉज द फिल्म वॉज ऑन नेटफ्लिक्स तो आई थॉट के आई विल जस्ट यू नो शेयर द जर्नी ऑफ फुल्लू विद यू एंड ऑल्सो विल टेल यू गाइज के नेटफ्लिक्स पे हैं आई एम श्योर आप सब लोग नेटफ्लिक्स देखते हो गए तो जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो वो फिल्म देखना एंड क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मेरे को काफ़ी बार कमेंट करते हैं जिस वीडियो में भी मैं अपने एक्टिंग प्रोफेशन की बात करती हूँ तो उसमें वो बोलते हैं कि अच्छा आपने क्या किया है हमने तो आपको कभी देखा नहीं है तो विच आई अंडरस्टैंड नॉट एवरी एक्टर जिसने यू नो
थोड़ा बहुत काम किया होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग उसे पहचानेंगे. लाइक बहुत से रीजनल एक्टर्स होते हैं जिनको आप पहचानोगे नहीं, लेकिन वो अपने फील्ड में या अपने स्टेट में बहुत बड़े स्टार होते हैं. तो मेरे साथ तो वो केस भी नहीं था, आई वॉज नॉट अ बिग स्टार और एनीथिंग, बट आई वर्कड विद वेरी नोटेड यू नो पीपल, सो मुझे अपने हिस्से का फेम मिला. बट येस, नॉट एवरीबडी विल रिकग्नाइज मी. तो या यही मुझे आप लोगों को बताना था कि कैसे फुल्लू अब नेटफ्लिक्स पे है एंड आई रियली वांट यू गाइस टू वॉच इट. फुल्लू जब मेरे पास आई थी ऑलरेडी पंजाब में मैंने थोड़ा बहुत नाम कमा लिया था बिकॉज आई वर्क विद गिप्पी ग्रेवाल हु इज यू नो अ वेरी बिग स्टार ऑफ पंजाब. मैंने उनके साथ एक म्यूजिक वीडियो की थी, तो उस टाइम पे मैंने दो तेलुगु फिल्म भी कर चुकी थी. तो मैं हैदराबाद में रहा करती थी, तो बाय चांस मैं मुंबई आई थिंक कुछ घूमने घूमने के लिए आई हुई थी. तो आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड, ही सेड के किसी ने तेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे देखा है एंड दे वर आस्किंग दैट यू नो इफ शी इज इंटरेस्टेड इन अ फिल्म. ये मैंने बोला हाँ कौन सी फिल्म है बताओ क्या डिटेल है उसकी. तो ही सेड कि मैं तेरे को नंबर दे रहा हूँ, तेरा नंबर दे रहा हूँ उसको, उससे बात कर ले रहा. मैंने कहा नहीं यार मेरे को थोड़ा सा बता दो कौन है कौन नहीं, बिकॉज एज एन एक्टर और स्पेशली अगर आप लड़की हो तो आपको बहुत से फालतू के लोग ना सिर्फ ऐसे ही बस टच में आने के लिए, आपका नंबर पाने के लिए ना बस कुछ भी बोलते हैं कि एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट है. लाइक प्लीज पहले मेरे को ना डिटेल बता दो उसकी क्या है तभी. तो देन ही सेड कि ये ऐसे ऐसे शारिब हाशमी नाम का बंदा है. लाइक कौन शारिब हाशमी, पता नहीं मेरे को. तो देन इज लाइक उसने ना एक फिल्म की थी फिल्मिस्तान. मैंने बोला अरे फिल्मिस्तान, फिल्मिस्तान में जो मेन बंदा था वो. लाइक शिट यार, आई वुड लव टू बिकॉज मैंने फिल्मिस्तान देखी एंड आई वॉज अ फैन ऑफ दैट मूवी. तो बट मुझे ऑब्वियसली ये नहीं पता था कि जो उसमें मेन एक्टर था उसका नाम क्या था, बट आई वॉज एक्चुअली अ फैन ऑफ हिम. बट येस मेरे को नाम नहीं पता था एंड आई एम सॉरी फॉर दैट. तो मैंने बोला अरे उनके साथ है तो हाँ आई वुड लव टू यू नो टॉक अबाउट इट. तो देन आई स्पोक टू शारिब ओवर द फोन एंड देन ही सेट अप अ मीटिंग फॉर मी एंड द डायरेक्टर जिनका नाम है अभिषेक सक्सेना. उनके साथ आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा शायद, मैं उनके घर पे गणपति पे जाती हूँ तो वो थे. फिर हम लोगों ने मीटिंग करी, फिर उन्होंने मेरा थोड़ा ऑडिशन लिया, रीडिंग करवाई मुझसे कि मैं वो लैंग्वेज बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती हूँ. फिर सब चीज़ें डन हो गई तो मैं उन्होंने मुझे वहाँ से भेज दिया और बोला ठीक है हम आपको बता देंगे. और मैं हैदराबाद के लिए निकल गई वापस, मुझे उसी से अगले दिन आई थिंक जाना था. सो जब मैं हैदराबाद पहुँची, अभी पहुँची ही थी और मेरे को फ़ोन आ गया दैट हम आपको लॉक कर रहे हैं एंड अभी कुछ ही दिनों में 3-4 दिनों में आपको वर्कशॉप के लिए आना है, तो यू हैव टू कम बैक टू बॉम्बे. तो मैंने कहा ठीक है. तो फिर मैं वापस बॉम्बे आई, मैंने वर्कशॉप की एंड इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी वर्किंग विद शारिब. स्पेशली आई लर्नड सो मच शारिब के साथ काम करते हुए. और पूरी टीम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पे, पूरी फैमिली की तरह काम किया. मेरा वहाँ पे कुछ था 10-12 दिन का काम था, मैंने वो किया. हम लोग एक यूपी के एक बहुत छोटे से मथुरा के पास एक गांव में थे जहाँ पे हमने किया था. और मेरी जो लुक थी वहाँ पे वो मतलब बिना मेकअप के और वो जो 100-100 रुपये वाली साड़ियाँ होती है वो पहन के थी, बिकॉज आई वॉज प्लेइंग गाँव की जो लड़की होती है वो. तो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस. उसके बाद ये हुआ कि जब हमने शूटिंग वूटिंग कर ली थी तो पता चला कि अब फिल्म कब रिलीज़ हो रही है. तो काफ़ी टाइम लगा फिल्म के रिलीज़ होने में, बट फाइनली जब फिल्म रिलीज़ होने वाली थी तो ऑब्वियसली हम लोगों ने सब ने उसका फाइनल रिजल्ट देखा. स्क्रीनिंग हुई थी एक्टर्स के लिए, तो हम लोग स्क्रीनिंग पे गए, हम लोगों ने फिल्म देखी. एंड सही बताऊँ तो उस टाइम पे फिल्म देख के आई थिंक मैं कमल को भी साथ में लेके गई थी. हाँ, हम उस टाइम पे लिव इन रिलेशनशिप में रहा करते थे, तो मैं कमल को भी लेके गई थी. एंड आई क्लियरली रिमेंबर दैट जब कमल ने वो फिल्म देखी थी तो एंड में कमल रोने लग गया था. तो मैंने बोला श्रेया थैंक गॉड अच्छी है, यानी कि वो रो रहा है. तो उसके बाद उसने मेरी बहुत तारीफ करी, उसने मुझे ऑनेस्टली बताया दैट हाउ यू नो मैं बहुत एक अच्छी एक्टर हूँ और मैं कर सकती हूँ, ज्योति यू शुड डू इट. ये वो तो अभी क्या हो गया, वो फिल्म इतनी अच्छी लगी मुझे कि मेरी ना उससे उम्मीदें बहुत बढ़ गई एज एन एक्टर. मुझे लगा यार दिस इज इट. मतलब मैंने लाइफ में जितना भी काम किया है या कोई भी फील्ड में किसी भी चीज़ में, मैंने ना अपने काम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखी हैं. कोई भी काम ने मुझे ऐसा फील नहीं कराया कि यार बस इसके बाद तो मैं स्टार बन जाऊंगी. चाहे जब मैं टीचर थी, चाहे जब मैं एक्टर थी, कुछ भी, मैंने ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई किसी भी काम से. मैंने उसको बहुत ऐसे हल्के में लिया, मतलब ऐसे लिया कि हाँ ठीक है मैं अपना काम करती जाऊंगी, जैसे है ना कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो. हमेशा मैं वैसी थी, मैं आज भी ऐसी हूँ. YouTube की वीडियोस भी बनाती हूँ तो मैं अपने दिल से बनाती हूँ. यस आई होप फॉर द बेस्ट, आई विश फॉर द बेस्ट, बट ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती हूँ. तो फुल्लू एक ऐसी ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे ना मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था यार ये मुझे हो सकता है स्टार ना बनाए, बट दिस इज डेफिनेटली गोना गेट मी दैट रिस्पेक्ट एज एन एक्टर इन द इंडस्ट्री एंड पीपल विल रिकग्नाइज मी.
बट हुआ क्या कि क्योंकि छोटी फिल्म थी, फिल्म का बजट छोटा था, और फिर एकदम से न्यूज़ आने लग गई दैट एक फिल्म आ रही है, रिलीज़ हो रही है अक्षय कुमार की, जो कि है पैडमैन, और फिर आर्टिकल्स छपने लगे कि हम लोगों ने कॉपी करी है पैडमैन. जबकि पैडमैन की पहली जो न्यूज़ ब्रेक हुई थी उससे पहले तो 6 महीने पहले आई थिंक हम लोग फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट कर चुके थे, सिर्फ हमारी रिलीजिंग बाकी थी. तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आने लगे. बट हुआ ये कि जब जैसे ही लोगों को पता चला कि यू नो पैडमैन आ रही है और ऐसे ही सब्जेक्ट पे एक छोटी फिल्म आ रही है जिसमें ज्योति सेठी कौन है हम जानते भी नहीं है, और शारिब हाशमी भी ही इज़ अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट इन दी इंडस्ट्री, बट शारिब ने कभी अपनी यू नो ऐसी पीआर नहीं करी है इंडस्ट्री में जहाँ पे यू नो ही लाइक पीपल थिंक के ओ स्टार है, जबकि उसने इतना अच्छा काम किया लाइफ में. बट बहुत ज़्यादा लोग नहीं है जो शारिब को जानते हैं. एंड तो ऑब्वियसली अगर लोगों को देखनी होगी जो आगे पीछे फिल्म आ रही हैं तो वो एक बड़े स्टार की फिल्म देखेंगे और किसी ज्योति सेठी की फिल्म को नहीं देखेंगे. फिर भी हमारी काफ़ी सारी उम्मीदें थी कि चलो शायद फिल्म जाएगी, अच्छी जाएगी, अच्छी जाएगी, क्योंकि अच्छी है, अच्छी बनाई है, अच्छा सब्जेक्ट है. बट फाइनली फिल्म रिलीज़ हुई और आके चली गई, किसी को पता भी नहीं चला. जितने लोगों ने देखी उन्होंने तारीफ की, लेकिन बहुत कम लोगों ने वो फिल्म देखी. तो बेसिकली ऑडियंस ही नहीं मिली हमें. नाउ वॉट मेक्स मी हैप्पी राइट नाउ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वॉट हैप्पीनेस एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट इट, कि जो फिल्म मैं कह रही हूँ कि यू नो जिसको ऑडियंस ही नहीं मिली, जिसको व्यूअरशिप ही नहीं मिली, अब मैं खुश इस बात से हूँ कि अब वो क्योंकि नेटफ्लिक्स पे फिल्म आ गई है तो एटलीस्ट उसको ऑडियंस मिलेगी, उसको व्यूअरशिप मिलेगी, उसको यू नो मतलब एक चांस तो मिलेगा लोगों तक पहुँचने का, जो कि जब वो थिएटर में लगी वो चांस उसको नहीं मिला. क्योंकि फिल्म को रिलीज़ करना तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और उसकी मार्केटिंग भी करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है. फिल्म बनाने में उतना पैसा भले ही ना लगाओ, लेकिन फिल्म की मार्केटिंग करने में बहुत पैसा लगाना ज़रूरी है, जो हमारी फिल्म के पास, हमारे प्रोड्यूसर के पास शायद नहीं था, या वो लगाना नहीं चाहते थे, जो भी रीजंस होंगे उनके. सो नाउ इट मेक्स मी वेरी हैप्पी दैट पुल्लू विल गेट ऑडियंस ऑन नेटफ्लिक्स. सो आई थॉट कि जितने भी 40,000-50,000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से अगर कितने भी लोग इसको नेटफ्लिक्स पे जाके देखेंगे बिना कोई खर्चा करे, बिना कोई टिकट खरीदे, तो दैट विल ऑल्सो मेक मी सुपर हैप्पी. तो आई रियली वॉन्टेड टू यू नो जस्ट सिट डाउन टॉक विद यू गाइज एंड टेल यू दैट देर इज़ अ प्रोजेक्ट विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और अब वो नेटफ्लिक्स पे और आप लोग देख सकते हो. और जो लोग पूछते भी थे कि आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, उन लोगों को भी थोड़ा सा एक हिंट हो जाएगा कि मैंने किस तरीके का काम किया है. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट फिल्म. इन फैक्ट द होल टीम इज़ वेरी प्राउड टू यू नो ऑफ दैट फिल्म. तो आप लोग नेटफ्लिक्स पे जाओ, उस फिल्म को देखो, और यही वो फिल्म है जिसके बाद एक्चुअली मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी, जिसके बाद मेरा मतलब ऐसे हो गया था कि यार अब मुझे एक्टिंग नहीं करनी, दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट टू डू. सो या दिस इज इट, आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू गाइज थ्रू दिस वीडियो. सो अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स है, गो टू नेटफ्लिक्स, सर्च PHULLU, ये एफ से स्पेल नहीं होता है, फुल्लू F से नहीं है, PH है, फुल्लू. सो PHULLU, और देखो शारिब हाशमी और ज्योति सेठी की फिल्म. एंड दैट्स इट. एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स, जब आप देख लो तो मुझे बताना किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके. मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आप लोगों को कैसी लगी वो फिल्म. एंड या दिस इज इट, थैंक यू सो वेरी मच गाइज. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.